अब मैं खड़ा हूँ पटना के डाक बंगला चौराहे पर। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों ने आज फिर से उग्र प्रदर्शन किया है। हालांकि इनको गांधी मैदान से लेकर के अपना गांधी मैदान से होते हुए यह डाक बंगला चौराहे पर आए हैं, लेकिन प्रशासन पहले से यहाँ अलर्ट नहीं थी। इनको राम गुलाम चौक के पास ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एग्जीबिशन रोड चौराहे के पास ये आ गए। आप देख रहे हैं कि लाठी चार्ज कर दिया गया है और यहाँ पर जो छात्र हैं लाठी चार्ज के बाद वह पीछे भागते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पहले से सूचना इनको नहीं दी गई थी। प्रशासन को पहले से सूचना डाक बंगला चौराहे पर आने की नहीं दी गई थी। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयार थी कि अगर यह डाक बंगला चौराहे पर आते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके ऊपर वज्रवाहन या लाठी चार्ज का प्रयोग किया ही जाएगा। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो छात्र हैं अपने आप को बचाने के लिए, हालांकि अधिकारी यहाँ देख रहे हैं कि अपना जो इनका प्रदर्शन था, देखें यहाँ पर जिस तरह से जूते और चप्पल और जो भी छात्र हैं वह भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, इस गाड़ी को हिरासत में लिया गया है। और जो छात्र हैं यहाँ, मोटरसाइकिल की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल यहाँ बिखरे पड़े हैं। यह जो है गाड़ी यहाँ पे गिर गया है। छात्रों के जो टोपी हैं, जूते हैं, चप्पलें हैं, किस तरह से यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि अचानक से छात्र का जो यहाँ पर आने का जो समय था वह निर्धारित नहीं थी। यह पटना कॉलेज से होते हुए सीधा बीएम कॉलेज के रास्ते कारगिल चौक होते हुए यह गांधी मैदान आना चाह रहे थे, लेकिन एग्जीबिशन रोड में वह घूम गए, जिससे प्रशासन को यह पता नहीं चला कि डाक बंगला चौराहे पर इनको आना था। और कहीं ना कहीं से छात्र को हम आगे भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस उनको खदेड़ कर काफी हद तक पीछे ले गई है। और छात्रों का जो जूता और जो टोपी है और जो भी उनका सामान है, कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि बिखरा पड़ा है। हालांकि जहां तक प्रदर्शन करने वाले छात्र दिख रहे हैं वहां तक प्रशासन का डंडा चल रहा है, क्योंकि प्रशासन भी मजबूर है। उनको बताया नहीं गया था डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। उनको जहां तक की प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, वहां के बाद यह आगे बढ़ गए। उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आ गया और कहीं ना कहीं से सीधे तौर पे देख रहे हैं कि प्रशासन लगातार पीछे ढकेलते जा रही है। एक छात्र हैं, क्या आपको लग रहा है प्रदर्शन कर रहे थे, आपको रोका गया है, क्या कारण? हाँ हाँ, रोका गया और हम लोग को लाठी भी चार्ज किया गया है। तो क्या यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आप लोगों ने अनुमति लिया था पहले से? हाँ जी, अनुमति लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे थोड़े ना आए थे। अचानक से डाक बंगला चौराहे पर आने के लिए एग्जीबिशन रोड का रास्ता अपनाया, जो कि प्रशासन को पता नहीं था। प्रशासन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग उधर जाएं। जहाँ पर प्रशासन को अलर्ट किया गया था राम गुलाम चौक से होते हुए आगे जब जेपी चौक तक, उसके बाद आप लोगों ने इधर का रास्ता अपनाया, शायद इस कारण से लाठी चार्ज किया गया है। और तो हमारी आवाजों को, अगर बात को कोई सुनने रहा है तो हम तो जाएंगे ही ना भाई, कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है प्रशासन लगातार आगे बढ़ते जा रही है और प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलते जा रही है, क्योंकि प्रशासन के पास भी उनको जहाँ तक रहने की अनुमति दी गई थी उसके बाद वह नहीं उस जगह का इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग। सर, प्रदर्शन के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई? कोई अनुमति नहीं ली गई, बिना अनुमति के इन लोगों का प्रदर्शन था, इसलिए हम लोगों ने इसको सख्ती से दबा दिया। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि टाउन डीएसपी हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने साफ कहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं लेने के कारण यह लोग अपने रास्ते पर, जो प्रदर्शन के रास्ते से, उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके कारण मजबूरन
लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि छात्र अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ जो हैं उनको तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रशासन जो है आप देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह का छात्र जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कोई और रास्ता ना अपनाए। इसको देखते हुए प्रशासन ने अपने दल बल के साथ यहाँ पर प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया है। टाउन डीएसपी अशोक कुमार ने भी कहा है कि चूंकि इनको यहाँ पर किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके कारण आम आदमियों को यहाँ पर किसी तरह की असुविधा ना हो और प्रदर्शन जो है कहीं उग्र रूप ना ले, इसको ले करके भी इन्होंने प्रदर्शन को तितर बितर करने का प्रयास किया है। जो छात्र यहाँ पे हैं वह देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन जो है, कुछ छात्र जो हैं आप देख रहे हैं कि हाथों में एक जूता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए कि यहाँ पर और भी जो छात्र हैं यहाँ वहाँ जो छिपे हुए हैं अपने आप को ठंड से और चोट से बचाने के लिए। तो क्या आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों की मांग है तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए। सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, दोनों तरफ से घेर घेर के स्टूडेंट को विद्यार्थियों को मार रही है। दुकान में लोग बचने अपनी जान बचाने के लिए घुस रहे हैं, दुकान में घुस घुस करके ये लोग निकाल रहे हैं, मार रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि कौन सी महिला है, कौन क्या है, सड़क पे गिरा गिरा करके ये लोग मार रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे थे? हम लोग यहाँ से सिर्फ बीएसएससी ऑफिस तक जा रहे थे, नारे लगा के जा रहे थे। नारे लगाना भी हमारा अधिकार नहीं है क्या? हम लोगों ने तो कोई ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ भी नहीं किया, हमें अपनी जान बचा करके अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि जब तक जान नहीं बचाएंगे तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे? तो छात्रों को इतनी दहशत में डालने का क्या सरकार को अधिकार है? या एक तरफ भ्रष्टाचार भी करती है सरकार, और दूसरी तरफ छात्रों को डरा धमका कर दबाने की कोशिश भी की जाती है। एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ सीना जोड़ी, यही इस सरकार का काम है। आगे क्या करेंगे? हम लोग झुकने वाले तो है नहीं, हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। हमें लाठियों से डर नहीं लगता, हम लाठियों से बच के जरूर भागे हैं, क्योंकि लाठियों से बचना भी जरूरी है, क्योंकि आगे की लड़ाई भी लड़नी है। ये लोग जिस प्रकार से, जितने छात्र नहीं है उसके 10 गुना संख्या में इन लोगों ने पुलिस से छात्रों को घेर घेर के मारा है, भागने का भी मौका नहीं दिया। आगे की तरफ से आप लोगों ने दौड़ाया हमें, पीछे की तरफ से भी कई जीप पुलिस थी, पीछे की तरफ से भी दौड़ा, हम किधर से भागे? यदि आप लोग हम ट्रैफिक जाम से रास्ते को बचाना चाहते हैं तो हमें भागने का भी तो मौका देंगे? तो क्या ये लोकतंत्र में जो है छात्रों को अपनी लड़ाई लड़ने का भी अधिकार नहीं है? यहाँ गुंडा राज है क्या? यहाँ दहशत का राज है क्या? कि ये लोकतंत्र है? तो देख रहे हैं कि छात्र नेताओं का कहना है कि पुलिस ने काफी इनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है, चूंकि इनको भागने का भी मौका नहीं दिया गया। डाक बंगला चौराहे के पास से पुलिस ने इनको पीछे खदेड़ा है, और पीछे से भी इनको पुलिस ने जिप्सी तैयार रखी थी और वहाँ से पीछे से भी खदेड़ा है। अब दोनों तरफ से अगर प्रशासन के लोग छात्रों के पीछे पड़ जाते हैं तो किस तरह से भाग पाए? ऐसे में अफरा तफरी का माहौल बना है और कई छात्र चोटिल हुए हैं, कहीं ना कहीं से वो अपना जान बचाने और चोट ना लगे इसको ले करके भी वह पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि छात्रों का जो अभी भी है यहाँ पर चप्पल और टोपी यहाँ बिखरा पड़ा है, और आप देखिए कि यहाँ पर कई छात्र जो हैं अभी भी अपना जूता ढूंढ रहे हैं, कोई अपना जूता ढूंढ रहा है तो कोई अपना चप्पल ढूंढ रहा है। हालांकि अब जो होना था वह तो हुआ है, और प्रशासन जो है अभी भी डाक बंगला चौराहे पर ही तैनात है। देखना होगा कि छात्रों ने कहा है कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ है, हम अपना हक मांग रहे थे, नारेबाजी का हम लोगों का हक है, हम लोग नारेबाजी तो कर ही सकते थे, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ जिस तरह से व्यवहार किया है वह कहीं ना कहीं से काफ़ी
गलत है। हालांकि टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि इन्होंने इजाजत नहीं ली थी, यातायात प्रभावित हो रहा था जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी। अब देखिए कि छात्रों का एक और जत्था फिर से आगे बढ़ रहा है अपने मांगों को लेकर। इधर छात्रों का जत्था आगे बढ़ रहा है और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तार उसको बुला रही है और पकड़ कर अपने साथ ले जा रही है। यहां से एक और छात्र को देख रहे हैं कि पकड़कर वह ले जा रही है साथ में, और कुछ छात्र यहां खड़े हैं, उसको पुलिस ऐसा न करने की बातें कह रही है। तो ये डाकबंगला चौराहे का जो नज़ारा है और प्रदर्शन करने वाली को जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही है, उनकी मांगे हैं जो जायज़ है या नाजायज़ है यह तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिलने की बात कही जा रही है कि डाकबंगला चौराहे पर इजाज़त नहीं लिया गया था, यातायात प्रभावित ना हो। देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी माहौल जो है काफी अफरा तफरी का बना हुआ है। यहाँ पर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है, गिरफ्तारियां की जा रही है। देखिए कि यहाँ छात्रों को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है। तो साथों पे देखिए कि यहाँ पर जो जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उसको पकड़कर गाड़ी में बैठाई जा रही है, और प्रशासन के साथ साथ जो भी है कई तरह से बातें सामने आ रही है। प्रदर्शन करने वाले छात्र की गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए छात्र गुहार लगा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि मोबाइल, अरे हम लोग काट रहे हैं, हम लोग मोबाइल देखने, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पे कई ऐसे भी लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि अपने आप को छात्र का नेता नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो मोबाइल बनवाने आए थे, लेकिन प्रशासन को शक है कि यह प्रदर्शनकारी है और कहीं ना कहीं से हालांकि प्रदर्शन के दरमियान कितने आम लोग भी हैं जो प्रदर्शनकारी के रूप में पकड़े गए हैं, जिनका देख रहे हैं कि सामने में यह कह रहे हैं कि हम प्रदर्शनकारी नहीं, हम छात्र नहीं, मोबाइल बनवाने हैं। हालांकि पुलिस ने पूछताछ करने के बाद इनको छोड़ दिया है। सीधे तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो जो प्रदर्शनकारी छात्र थे जो अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वह लगभग तितर बितर हो गए हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे थे जो लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई है। अब उनको पूछताछ के बाद कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने इनके आंदोलन को
यातायात फिर से सामान्य होने की स्थिति में दिख रही है। हालांकि पुलिस बल अभी यहां तैनात ही हैं और जो छात्र हैं वो अभी लगभग यहां से चले गए हैं और जो छात्र एक्का दुक्का छात्र जो दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अब 10 बार फोन किया उसके बाद देखो तो ऐसे थोड़ा था लाइव में कैसे फोन उठा लेंगे। आई हुआ आप सोच रहिएगा खबर दे देख रहे हैं कि डाक बंगला चौराहे पर स्थिति सामान्य हो गई है। जो भी प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी को पुलिस ने तितर बितर किया है और उसके बाद से यहाँ पर यातायात जो है फिर से सामान्य दिख रही है। तो देख रहे हैं अभी ये यहाँ पर छात्रों का जो प्रदर्शन था वो अब लगभग समाप्त हो गया। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां चलाई गई है और कुछ छात्र को भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि छात्रों का जो मांग है वो पूरा होता है, आंदोलन आगे जारी रखने की मांग की है, तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।